Welcome to Teach Tech Toe, a YouTube channel that bridges the gap between intellect and science. If you like this video, please don't Once forget again, to welcome subscribe to YouTube us. Channel Teach Tech Toe. यह हमारा वीडियो है an overview of machine learning in Hindi. इस वीडियो में हम समझेंगे मशीन लर्निंग को आसान भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में. इस वीडियो को सुनने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे मशीन लर्निंग के बारे में आसानी से, वो भी हिंदी भाषा में. तो चलिए शुरुआत करते हैं. मशीन लर्निंग क्या होती है भाई? किसी मशीन को ट्रेन करना, यानी फॉर एग्जांपल ये जो मशीन्स होती है ना आजकल के समय में, ये सब कंप्यूटराइज होती है. अब ये कंप्यूटराइज मशीन कैसे वर्क करती है? इनके लिए प्रोग्रामिंग यूज होती है. प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में होती है मशीन लर्निंग में? इट कैन बी इन पाइथन और आर. हालांकि ये काम जावा में भी हो सकता है, लेकिन पाइथन और आर ये लैंग्वेजेस इस तरह से, क्योंकि ये अपडेटेड की गई है, इसीलिए मशीन लर्निंग के लिए ये दोनों लैंग्वेजेस ज़्यादा प्रेफर की जाती है आज के समय में. और दोनों लैंग्वेज ओपन सोर्स हैं, तो दैट्स वाई पीपल आर प्रिफरिंग फॉर मशीन लर्निंग आर एंड पाइथन इन टूडेज वर्ल्ड. सो अगर बात की जाए कहाँ कहाँ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में मशीन लर्निंग यूज होती है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. ई कॉमर्स, ये स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये कंपनी जो होती है ना, इन्हें अपने जो कस्टमर्स हैं, जो उनकी साइट को विजिट करते हैं, कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट्स को सर्च ज़्यादा करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कब लॉग इन करते हैं, कब लॉग आउट करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं वगैरह वगैरह, कैसे उसकी एडवर्टाइजिंग करना, कौन से कस्टमर को कौन से एडवर्टाइजमेंट दिखाना उनके स्मार्टफोन में, उनकी अमेजन ऐप में, उनकी प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी ये मशीन लर्निंग वर्क करती है ई कॉमर्स फील्ड में. अब बात करें सर्च इंजन. सर्च इंजन में रैंकिंग पेजेस डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द सर्चर. जो व्यक्ति सर्च कर रहा है उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसके ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके सर्च करने पे उसे उसी प्रकार की चीज़ दिखाई जाएगी. तो ये गूगल, याहू, सर्च इंजन्स वगैरह जो हैं, ये भी उसी तरह वर्क करते हैं. लेट्स से फेसबुक पे अगर मैं कोई सर्च कर रहा हूँ, मैं लेट्स से मुंबई में रहता हूँ और मेरा करंट लोकेशन मुंबई है, और मैं एक नाम को सर्च कर रहा हूँ, उस नाम के हज़ारों लोग हैं, उस नेम सरनेम दोनों के, परंतु जब मैं फेसबुक पर उस नाम को सर्च करूँगा तो मुझे सबसे पहले वो व्यक्ति दिखाई देगा जो मेरी सिटी में रहता है, मुंबई का. मुंबई के लोग मुझे ज़्यादा दिखाई देंगे, या फिर जो मेरे ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स जिनसे हैं. लेकिन वही व्यक्ति कोई दूसरी सिटी का है तो उसे, उसके जो ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड उसी नाम के हैं, उनमें जो आ रहा है उनका, उसका कनेक्शन है उन लोगों से, वो दिखाई देंगे. तो इस तरह से सर्च इंजन में कैसे रैंक करना और कौन से व्यक्ति को, पर्सन को कौन सा सजेशन देना, यहाँ पे सर्च इंजन में मशीन लर्निंग वर्क करती है. अब बात की जाए फाइनेंस इंडस्ट्री में. इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क, डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन. आज के समय में फ्रॉड ट्रांजेक्शन काफ़ी चलते हो रहे हैं, कि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होती रहती है, आदान प्रदान भारत में भी प्रतिवर्ष हर साल बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो उसमें भी रिस्क रहती है, आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे कोई चोरी कर लेता है, काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं. तो वहाँ पे भी फाइनेंस इंडस्ट्री में इन रिस्क को ध्यान में देते हुए कि कौन से आईपी एड्रेस से आपके मोबाइल के बजाय कोई तीसरे आईपी एड्रेस से कोई व्यक्ति आपका हैक कर रहा है, तो वो बैंक का जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो पकड़ सकता है. तो वहाँ पे भी ये डेटा वगैरह है जो फाइनेंस फील्ड में, या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कौन सी चीज़ में, जब शेयर मार्केट वगैरह में कहाँ इन्वेस्ट करना, इस में किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में ज़्यादा लॉस होने की संभावना है, लेट से किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके उसके प्रीवियस 5 ईयर्स 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखते हुए, और वहाँ पे किस कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, फाइनेंस में इस तरह से भी यूज़ होता है मशीन लर्निंग. अब बात की जाए मेडिकेयर इंडस्ट्री. यहाँ पे डिजाइनिंग ड्रग्स डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स हिस्ट्री एंड नीड्स. लेट से हमारे पास दो पेशेंट्स आते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ या एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे दो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक पेशेंट की एज है 10 ईयर्स, एक पेशेंट की एज है 20 ईयर्स और एक पेशेंट की एज है 30 ईयर्स. तीनों को एक ही बीमारी है, लेकिन तीनों की अगर मैं एक ही एक जैसी मेडिसिन, जो पहले क्या होता था, एक जैसी मेडिसिन दी जाती है, एक जैसा उनका इलाज होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता, पर बेटर क्योर करना है उनकी डिसीज को,
तो वहाँ पे क्या देखना होगा कि उस पेशेंट का प्रीवियस डेटा, जो 30 ईयर की एज है जिनकी, वो कभी बीमार नहीं पड़े, जो 20 ईयर की एज के हैं उनका पास्ट में काफ़ी बार बीमार पड़े हैं वो, तो उनके उनको हैवी डोज देना प्रेफरेबल होगा, और जो 10 ईयर के हैं उनको कोई और बीमारी है तो उनको उनके हिसाब से बिल्कुल डेसिमल में भी चेंज करके मेडिसिन प्रीफर की जाएगी, तो उनका बेटर उपचार होगा, बेटर ट्रीटमेंट होगा, और इस तरह से पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनका बेटर, मच बेटर डिसीज क्योर होगी, टाइमली क्योर हो जाएगी और अच्छे से क्योर होगी, और संभावना होगी कि आगे वो बीमार ना पड़े। अब बात की जाए रोबोटिक्स में कैसे मशीन लर्निंग यूज होती है, सिचुएशन ऐसी आती है दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। रोबोट्स को ट्रेन करना, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक रोबोट को हमें ट्रेन करना है कि घर के कामकाज संभाल ले, उसको ट्रेन करना होगा कि उस घर की क्या नीड है, कहाँ क्या सामान रखा रहता है, किस चीज़ को कैसे क्या हैंडल करना वगैरह वगैरह, और हैंडलिंग सिचुएशन दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। लेट से मैं एक कार को रोबोटिक कार बना रहा हूँ जो कि ड्राइव करना सीख जाएगी, सिंपली कहाँ लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना, ये सब वो एक्सपीरियंस से सीख लेगा गाड़ी को ड्राइव करना अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि एकदम से सामने से गाड़ी आ गई, उसको कैसे हैंडल करना और कैसे बचना ऐसी सिचुएशन में, तो सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन को कैसे हैंडल करना, कहाँ ब्रेक मारना एकदम से सडन सिचुएशन में, उस हिसाब से भी रोबोटिक्स को ट्रेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी मशीन लर्निंग यूज होती है। सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स एंड रिकमेंडिंग कनेक्शंस। अभी जो हमने बात की थी सोशल मीडिया की, वही बात है कि मेरे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता, और मैं फेसबुक पे कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ या यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो सर्च कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे कनेक्शंस के अकॉर्डिंग, मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और जो भी मेरे म्यूचुअल कनेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग मैं उन्हें मुझे रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा वो साइट, ताकि मेरा टाइम बचे और मैं उस साइट पर अट्रैक्टेड रहूँ, वरना वो साइट में विजिट नहीं करूँगा। मेरा जो साइट से जितना अच्छा मशीन लर्निंग प्रोवाइड करेगी सोशल मीडिया साइट, उतने लोग उससे जुड़े रहेंगे। तो आजकल ये सोशल मीडिया साइट इसी तरह वर्क करती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब बात की जाए ये एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हाउ इट वर्क्स, फ्रेमिंग क्वेश्चंस फॉर गेटिंग आंसर्स फ्रॉम डेटाबेसेस ओवर द वेब। वेब स्क्रैपिंग आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, हर आजकल जो सिंपल डेटा जो होता है SQL और एक NoSQL होता है, यानी जो डेटा किसी साइट में, दैट्स ए CSV फाइल, हर जगह आपको एक्सेल शीट्स और Oracle डेटाबेस वगैरह नहीं मिलेगा, कई बार अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे YouTube का कितनी सारी, या कोई e-commerce साइट है लेट्स से, उसमें प्रोडक्ट्स का आप डेटा निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो आप डेटा निकालेंगे वेब स्क्रैपिंग करके, कितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी वेब स्क्रैपिंग करके, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किस प्रोडक्ट्स की सेल इतनी हुई, इस प्रोडक्ट से इतना कोरिलेशन है वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मशीन लर्निंग हम यूज़ करके इन्फॉर्मेशन डेटा से नॉलेज और नॉलेज से इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। नॉलेज से इन्फॉर्मेशन जब हम उस बिग डेटा को शॉर्टन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे उस डेटा से, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से स्ट्रक्चर्ड डेटा में एक्सट्रैक्ट करके, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे, और कुछ नए रिजल्ट्स आएंगे जो कि हमें अच्छा आउटपुट देंगे और हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे वेबसाइट स्क्रैपिंग करके डेटाबेस से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उससे डेटा को नॉलेज से इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और कुछ नई लेट से अमेजन कंपनी की सेल्स क्यों हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो यही चीज़ करती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके अपने डिजिटल एडवर्टीजमेंट बढ़ाती है, और कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके रखना, उनको बांधे रखना अपनी साइट से, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है, इसीलिए उनकी सेल्स बढ़ती जा रही है। दैट्स व्हाई, बिकॉज दे फॉलो मशीन लर्निंग। दोज कंपनीज मानना चाहता है कि
फ्यूचर में जो कंपनीज, जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये एप्पल, फेसबुक, गूगल वगैरह, जो ये चीज़ें मशीन लर्निंग पर जितना प्रेफरेंस देगी उतना इनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक्स की बात, अब हम मूव करते हैं और टेक्निकल बातें करते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग इन हिंदी। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो के आउटलाइन एंड कंटेंट क्या क्या हैं? पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग, देन विल टॉक अबाउट लर्निंग सिस्टम मॉडल, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पर, देन परफॉर्मेंस, देन कुछ एल्गोरिदम्स पर हम बात करेंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे, उसके बाद हम क्या सीख कर रहे हैं, व्हाट वी आर सीकिंग वो अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद लर्निंग टेक्निक्स पर ध्यान देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कंसर्न्ड विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू इवॉल्व बिहेवियर्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए मनुष्य का इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है वो, लेकिन कंप्यूटर का, अभी के समय में कंप्यूटर का भी जो दिमाग होता है उसमें इतने सारे जो पार्ट्स होते हैं इंटरनल, जो आपका सर्वर, रैम वगैरह वगैरह, इन सब से मिलजुल के ये कंप्यूटर बनता है। तो कंप्यूटर भी धीरे धीरे ऐसा मनुष्य की जो सोचने की क्षमता होती है आज तो कंप्यूटर से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 2030, 40, 50 आते आते एक समय ऐसा आएगा जब कंप्यूटर्स की जो सोचने की क्षमता है वो मनुष्य से भी ज़्यादा हो जाएगी। आज हम कैलकुलेशन की बात करें तो कंप्यूटर्स हमसे फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की जो इमेजिनेशन पावर है वो कंप्यूटर इमेजिनेशन नहीं कर पाता। तो ह्यूमन बींग इज ह्यूमन बींग हु हैड डेवलप्ड दिस कंप्यूटर। बट एनीवेज, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसर्न्ड विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू इवॉल्व बिहेवियर्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा। डेटा को लेता है कंप्यूटर, उस पर कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करता है, और उस एल्गोरिदम से जो रिजल्ट आते हैं उससे प्रेडिक्शंस होती है और कुछ नए आउटपुट्स जनरेट होते हैं, जो कि लेट्स से जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स अभी बताए थे वो सब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। मान लीजिए एक कार है, उसे अपने आप चलना सीखना है, तो वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करके उस कार को ऐसी ट्रेन कर देंगे कि वो अपने आप चलना सीख जाएगी और एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। हमें बिना ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस एरोप्लेन विच इज ऑल्सो गोइंग टू गेट सून बींग लॉन्च्ड, ये सब पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एज इंटेलिजेंस रिक्वायर्स नॉलेज, इट इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर्स टू एक्वायर नॉलेज। देखिए, इंटेलिजेंस को जरूरत होती है नॉलेज की, सिर्फ डेटा नहीं, डेटा से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से नॉलेज। सो इट इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर्स टू एक्वायर नॉलेज। तो कंप्यूटर को ये क्षमता होनी चाहिए कि अपना एल्गोरिदम लगा के उस डेटा से, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन में बदले और इंफॉर्मेशन से भी और छाने, उसे छान कर नॉलेज में कन्वर्ट कर दे और एक्वायर नॉलेज जो आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक सेट है, एक बॉक्स है, उसमें 100 फल हैं, उन 100 फलों में 80 एप्पल हैं, 10 टमाटर और 10 आम है। तो हम मनुष्य क्या करेंगे, आसानी से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एप्पल को, आम को और टमाटर को। तो हम यही चाहते हैं कि कंप्यूटर भी इस तरह की काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर दें कि ये जो डेटा है एक बकेट है, उस बकेट में से तीनों को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर दें। और अगली बार अब हमने एक 101वां एप्पल डाला तो वो ऑटोमेटिकली उसे उठा करके उस एप्पल के बकेट में रख दे, फिर 102वें नंबर पे हमने डाला आम तो वो उठा के उसे आम वाले डब्बे में रख दे, फिर तीसरा टमाटर आया उस टमाटर को उठा के टमाटर वाले डब्बे में रख दे। तो ये तीन बॉक्सेस जो एक बॉक्स से कन्वर्ट हमने निकाले हैं, एक बॉक्स लिया
100 वाला बकेट और 3 बॉक्स लिए और उनमें इनको हम पुट करते जा रहे हैं। तो ये मनुष्य कर सकता है, यही काम हमें करवाना है कंप्यूटर से। सो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और कंप्यूटर भी एक्वायर नॉलेज करे विद प्रीवियस डेटा, वो समझ जाए कि भाई इन 100 डेटा से कि इस शेप का ये जो है इस शेप वाला होता है एप्पल, इस टाइप के शेप का टमाटर, इस टाइप के शेप का आम। सो दैट इज मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स। लर्निंग सिस्टम मॉडल, इस एग्जांपल को देखिए ध्यान से। ये इनपुट सैंपल लिए, उन्हें टेस्ट किया, ये सिस्टम, यहाँ ट्रेनिंग लर्निंग मेथड अप्लाई की और ये आउटपुट। इनपुट सैंपल्स, ये जो हमने बात तभी की वही एग्जांपल है। ये लर्निंग सिस्टम मॉडल कैसे वर्क करता है, सैंपल इनपुट लिए, उनको टेस्ट किया, लर्निंग मेथड अप्लाई की और ये आउटपुट। और ये यहाँ पे इनपुट सैंपल लिए, ये सिस्टम जिसे हम ट्रेनिंग वाला, जैसे वो जो एप्पल का हमने एग्जांपल लिया था, सिस्टम को पहले ट्रेन किया, लर्निंग मेथड अप्लाई किया। अभी लर्निंग मेथड अप्लाई करने के बाद जो नए टेस्टिंग किए, नए जो नया 101 102 103 जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे पुट किए। लर्निंग मेथड जो कि ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग करके हम क्रिएट कर चुके हैं, तो हमें आउटपुट में पता चल रहा है कि वो क्या है। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सल सेट अनऑब्जर्व, ये जो दिख रहा है आपको दो सिंबल्स, एक ये राउंड है और एक क्रॉस वाला है, और ये यूनिवर्सल सेट है जो कि अनऑब्जर्व्ड है। इसमें दो डिफरेंट हमने डेटा डाले हुए हैं, एक राउंड और एक क्रॉस। ये डेटा एक्विजिशन किया, यहाँ पे डेटा एक्विजिशन किया और यहाँ पे दोनों को हमने अलग अलग कर दिए, छाड़ दिए। ये ट्रेनिंग सेट ऑब्जर्व्ड और ये ट्रेनिंग सेट अनऑब्जर्व्ड। यहाँ पे भी हमने, अगर लेट से इस लाइन को यहाँ पे खींचा, एक लाइन हमने यहाँ पे खींची इस तरह से कि ये जो क्रॉस है और ये राउंड है ये सेपरेट हो गए, तो ये दो तरह से सेपरेट किए जा सकते हैं ट्रेनिंग सेट। एक तो ये सिंपल लाइन खींच के और ये इस तरह की एक और राउंड टाइप की लाइन बना के, दो तरह से इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। सो ये दिस इज ऑब्जर्व्ड ट्रेनिंग सेट, दिस इज अनऑब्जर्व्ड यूनिवर्सल सेट। और इसका ये प्रैक्टिकल यूसेज अगर हम करके देखें यहाँ पे, चूंकि ये टेस्टिंग सेट अनऑब्जर्व्ड है तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं किया हमने, तो ये छटनी नहीं हुई इनकी, और ये क्रॉस और राउंड प्रॉपरली अलग अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए। सो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इन्हें और डीप में समझते हैं। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सिस्टम एबल टू लर्न। ट्रेनिंग एक प्रोसेस होती है जो सिस्टम को लर्न करना सिखाती है। नो फ्री लंच रूल, वो क्या होता है, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट आते हैं सेम डिस्ट्रीब्यूशन में से निकल कर। दे नीड टू मेक सम असम्पशन और बायस। हमें क्या करना होता है, ये जो दिख रहा है आपको क्रॉस और जीरो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसे हमने कुछ इस तरह से डेटा और बढ़ा तो ये ऐसा हो गया। पहले प्रॉपरली सेपरेटेड था, ये एक लाइन सिंपली खींची जा सकती है, फिर थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा मुश्किल हो गया इन्हें सेपरेट करना। बट थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सम अजम्पशन और बायस, और ये जो है इन्हें हमने थोड़ा दूर दूर कर दिया और छटनी कर दी उनकी, जो इनके सेपरेशन में प्रॉब्लम ला रहा था उस डेटा को। लेट्स से
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, आपके पास दो डेटा सेट्स हैं, उस आपको छटनी करनी है सिर्फ टोमेटो और एप्पल में, लेकिन उस डेटा सेट में कुछ खरबूजे भी डाल दिए गए, समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे उसकी छटनी, क्योंकि वो आपके डेटा का जो आप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उस डेटा को ट्रेन और टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो उसमें इशू क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए आप ऐसे डेटा को वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो आप प्रॉपरली सेपरेट कर पाएंगे और डेटा को प्रॉपरली ट्रेन और टेस्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैड टू डू लाइक दिस। तो हमें ऐसे डेटा सेट को जो कि अनयूजफुल हैं, मीनिंगलेस हैं, जो यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे डेटा सेट्स को हमें रिमूव कर देना होगा यहाँ पे। सो दीज आर सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ एनी इनिशियल बैकग्राउंड नॉलेज, द टाइप ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड एंड द लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज्ड। ये कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, कैसी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ एनी इनिशियल बैकग्राउंड नॉलेज। अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं उस डेटा का हमें, तो इश्यू आ सकता है उस डेटा का। टाइप ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड, क्या फीडबैक प्रोवाइड की गई है उस डेटा से, और कौन सा लर्निंग एल्गोरिथम हमने यूज किया है, वो सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमें दूसरा लर्निंग एल्गोरिथम यूज करना होगा। टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सो व्हाट आर एल्गोरिथम्स, द सक्सेस ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग सिस्टम कि सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है एल्गोरिथम्स पे, आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिथम कंट्रोल करते हैं सर्च टू फाइंड एंड बिल्ड द नॉलेज स्ट्रक्चर्स। द एल्गोरिथम्स शुड एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेनिंग एग्जांपल्स। ये बात अब समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, पर यहां से हमें समझना होगा। कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं यहाँ पे। इन सुपरवाइज लर्निंग एक्स एन ई आर टू द पावर डी वाई एन, इन वाई एक्सिस ई आर एन, एन इक्वल्स टू वन। सुपरवाइज लर्निंग क्या प्रोवाइड करता है हमें, प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन, डिस्क्रीट लेबल्स, रिग्रेशन, रियल वैल्यूज। वहीं पर ये अनसुपरवाइज लर्निंग एक्स एन एक्सटेंड टू आर टू द पावर डी कर्ली ब्रैकेट क्लोज एन, एन इक्वल्स टू वन। इसके टाइप्स हैं क्लस्टरिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन, फाइंडिंग एसोसिएशन इन फीचर्स एंड डायमेंशन रिडक्शन। ये अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स हैं। तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और चौथा होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग विच इज यूज इन रोबोट एंड चेस मशीन। सो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स हैं। हमें बिग डेटा मिला हुआ है, उन तीनों को हमने यहाँ पे सेपरेट किया, और जब हमने उसे इस बात की जाए सुपरवाइज लर्निंग की, यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें हमने ये जो स्टार क्रॉस और राउंड दिखाई दे रहा है इन्हें सेपरेट किया, तीनों को अलग अलग किया सुपरवाइज लर्निंग में। लेट्स से वो तीन फ्रूट्स का मैंने एग्जांपल दिया था, आप उसी को ध्यान में रखें तो आपको ये रिमेम्बर रहेगा। मान लीजिए ये टोमेटोज हैं, ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, इन तीनों को हमने बिग डेटा से सेपरेट किया, तो इस तरह से कुछ आउटपुट हमें मिल गया। अब अनसुपरवाइज लर्निंग, यहाँ पे ये सारे राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमें सेपरेट करना है
क्वालिटी ए ऑरेंज, क्वालिटी बी ऑरेंज और क्वालिटी सी ऑरेंज हैं, सभी ऑरेंज, बट उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं, ताकि हमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू और बेटर आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड हो, मींस थोड़ा इनडेप्थ रिजल्ट प्रोवाइड हो। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के फॉर्म में हमें मिल रहा है, तो उस ऑरेंज में ही हमने एक एल्गोरिदम लगा के उन्हें सेपरेट कर दिया, तो वो कुछ इस तरह से हमें आउटपुट में रिजल्ट प्रोवाइड हुआ। और ये तीसरा सेमी सुपरवाइज लर्निंग है। यहाँ पे एक और फिगर आ गया है, दिस ब्लैक वन, इन्हें भी हमने सेपरेट किया। ये जो ब्लैक वाला है ये हर जगह आ रहा है, ब्लैक वाला फिगर, तो मे भी ये चीज कुछ इस तरह से कि ये डेटाबेस में हर जगह अवेलेबल है, बट हमें सेपरेट करना है स्टार को, क्रॉस को और इस सर्कल को। और ये ब्लैक फिगर हर जगह पे अवेलेबल है, इसे हमें सेपरेट नहीं करना है, तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, इन्हें हम और डीप में समझेंगे अभी। हमने यहाँ पे पहले ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन किया विथ ट्रेनिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेजेस साउंड्स। सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए और फीचर्स वेक्टर्स लगाए यहाँ पे हमने, यहाँ इसमें कि क्या क्या उनमें हमें डेटा दे रहे हैं उसे, और ये लेबल्स उसके प्रोवाइड किए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को। एक बार वो कर दिए तो फिर उसके बाद अब हम जब न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेजेस साउंड्स वगैरह देते हैं उसमें फीचर्स फैक्टर्स लगाते हैं और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग लगाते हैं ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के द्वारा, तो रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड लेवल मिलता है। वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि सबसे पहले हमने और वो मशीन को ट्रेन किया कि अंडरस्टैंड करना कि एप्पल क्या होते हैं, तो वेराइटी ऑफ एप्पल कलर, एप्पल का शेप, तो नया कोई भी एप्पल आएगा तो वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि एप्पल है, और अगर आपने टोमेटो डाल दिया उसमें तो वो उसे सेपरेट कर देगा कि नो इट इज़ नॉट एप्पल, दिस टोमेटो, लाइक दैट। सो डेटा, न्यू डेटा को पहले 100 एप्पल से उसने ट्रेनिंग ले ली कि भाई एप्पल का कलर ऐसा होता है, कलर का शेप ऐसा होता है, कलर का साइज, एप्पल का साइज ऐसा होता है वगैरह वगैरह मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू। और जब नया आया एप्पल तो उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये एप्पल है बाय वॉचिंग इट्स साइज कलर शेप, और टोमेटो आया तो उसे सेपरेट कर दिया और ये एक्सपेक्टेड लेवल आ गया। तो इन दिस वे सुपरवाइज लर्निंग इज परफॉर्म्ड। अनसुपरवाइज लर्निंग, इसे अब हम समझते हैं। ट्रेनिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेजेस साउंड्स फीचर्स फैक्टर्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, उन पर हम लगाएंगे। अब ये लगाने के बाद ये जो मॉडल आएगा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेजेस साउंड्स वगैरह फीचर्स वेक्टर्स लाइकलीहुड और क्लस्टर आईडी और बेटर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमें आउटपुट में ये मिल रहा है। इसका एक्जेक्टली एग्जांपल अगर हम देखें तो ये अपने आप को ट्रेन करेगा विथ डेटा, नया डेटा आया तो उसे अपने हिसाब से और ट्रेन किया। लेट्स से आप एक कार प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ न्यू कार विच इज जस्ट ट्रेन टू ड्राइव ऑटोमेटिकली एंड टेक राइट एंड लेफ्ट टर्न, बट अब हम उस कार को इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं विथ दिस अनसुपरवाइज लर्निंग कि वो ऑटोमेटिकली सेल्फ ट्रेन हो। लेट्स से उसे ऑटोमेटिकली जब समझ में आ जाए कि हमारे नियर बाय इमेज से कोई और व्हीकल है या कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो ब्रेक प्रेस कर दे, वेन टू प्रेस ब्रेक, जैसे वो एक्सीडेंट मेट करे ट्रेनिंग के दौरान तो समझ जाए कि भाई वेन टू टर्न, वेन टू स्टॉप, वेन टू रेज योर स्पीड, वेन टू लोअर योर स्पीड अकॉर्डिंगली एज वी ह्यूमन बींग्स डू बाय हैविंग इट इज हैविंग अ कैमरा, कैमरा लगा होगा उस कार के आगे और उस कैमरे में वो इमेज रिकॉग्नाइज करके अपने आसपास की चारों तरफ की और सेल्फ
ट्रेन करता जाए अपने आप को कि नेवर इट मेट्स एक्सीडेंट. सो लाइकलीहुड और क्लस्टर आइडिया और बेटर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से परफॉर्म होता है. तो इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग. सो एंड दिस मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. सो मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है. लो ई आउट और मैक्सिमाइज प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स इन सुपरवाइज लर्निंग एदर इक्वल्स टू 1 बाय एन एंड एन इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट ऑफ वाई एन इज नॉट इक्वल्स टू जी एक्स एन. हियर ई इन फॉर ट्रेनिंग सेट, ई आउट इज फॉर टेस्टिंग सेट. So this is E out and this is E in. E out G, it should be lesser than equals to E in G plus minus 0 round bracket under root of DVC by N ln N capital N. While an unsupervised minimum quantization error, minimum distance map MLE, maximum likelihood estimation. आप इस ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हैं और ये एरर और ये है डीवीसी, ये अंडरफिटिंग वर्सेस ओवरफिटिंग. यहाँ पे अंडरफिटिंग है और यहाँ पर ओवरफिटिंग है और ये बेस्ट है जो हम चाहते हैं. मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी ई इन, तो हम सीख कर रहे हैं कि ये ना ओवर अंडर फिटिंग हो ना ओवर फिटिंग हो, हम रिजल्ट में ये चाहते हैं, ये लाइन हम पाना चाहते हैं. सो दैट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट एज द आउटपुट, दैट्स व्हाट वी आर सीकिंग. सो लर्निंग टेक्निक्स व्हाट आर दे, सुपरवाइज लर्निंग कैटेगरीज एंड टेक्निक्स, इन पर अब हम बात करेंगे. लीनियर क्लासीफायर ये यूज होता है फॉर न्यूमेरिकल फंक्शंस. पैरामेट्रिक फॉर प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन लाइक नेव बायस, गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस GDA, हिडन मार्को मॉडल्स HMM, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स, ये सब होते हैं पैरामेट्रिक सुपरवाइज लर्निंग कैटेगरीज एंड टेक्निक्स. नॉन पैरामेट्रिक अगर देखें हम विच आर इंस्टेंस बेस्ड फंक्शंस, दे आर के नियरेस्ट नेबर्स, कर्नल रिग्रेशन, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन एंड लोकल रिग्रेशन. नॉन मैट्रिक विच आर सिम्बलिक फंक्शंस, इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, डिसीजन ट्री. एग्रीगेशन फंक्शन दे आर बैगिंग विच आर बूटस्ट्रैप प्लस एग्रीगेशन, एडा बूस्ट एंड रैंडम फॉरेस्ट. सो ये सारी लर्निंग कैटेगरीज एंड टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में. लीनियर क्लासीफायर को हम समझते हैं, इसका ये जो फॉर्मूला होता है जी एक्स एन इक्वल्स टू साइन डब्ल्यू टू द पावर टी एक्स एन. हियर डब्ल्यू इज एन डी डायमेंशन वेक्टर विच इज लर्नड दिस वन. इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है, परसेप्शन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एडा लाइन एंड मल्टी लाइन परसेप्शन MLP फॉर लीनियर क्लासीफायर. तो यहां आप देख सकते हैं इस फिगर में एरर रेट है 0.10 जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे, बट आफ्टर दैट व्हेन वी परफॉर्म टेस्टिंग ज्यादा डेटा हमने उसमें अपलोड किया, एरर रेट भी बढ़ गया. दिस टाइम इट्स इन टेस्टिंग एरर रेट इज 0.156 ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. हियर वी आर यूजिंग परसेप्शन लर्निंग एल्गोरिदम PLA. ये एल्गोरिदम लगा के जब हमने देखा तो एरर रेट आई 0.156 इन अवर डेटा. अब हम यहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं. पहले यहां पे इस डेटाबेस में जब ट्रेनिंग
किया हमने एरर रेट 0.11, ये लाइन हमने ड्रॉ की जहाँ पे मैक्सिमम हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट और राइट में इस लाइन के इधर और उधर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स और जीरो को सेपरेट करना है हमें। जब ट्रेनिंग दिया तब एरर रेट था 0.11, व्हेन वी परफॉर्म दिस टेस्टिंग हियर द एरर रेट इज 0.145। इन नॉन लीनियर केस, दिस वन इज नॉन लीनियर केस, सो हियर xn1 एंड xn2, xn इक्वल्स टू xn कॉमा xn2, एंड xn विल पुट xn1 xn2 xn1 इनटू xn2 xn स्क्वायर xn2 स्क्वायर g टू द पावर g राउंड ब्रैकेट xn इक्वल्स टू sin wt xn राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये लगा के हमने फॉर्मूला, ये नॉन लीनियर केस है, सो वी कैन परफॉर्म सच काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन सच डेटा सेट्स व्हेन देयर द केस इज नॉन लीनियर केस। सपोर्ट वेक्टर मशीन लीनियर टू नॉन लीनियर, हियर वी कैन यूज फीचर ट्रांसफॉर्म एंड कर्नल फंक्शन। द लर्निंग टेक्निक्स दैट वी यूज हियर आर in unsupervised learning categories and techniques, which are clustering, k-means clustering, spectral clustering, they were performed in clustering, density estimation, Gaussian mixture model, GMM we use here, also we can use graphical models, dimensionality reduction, principal component analysis or factor analysis. Applications of machine learning, face detection. आपने अगर अपना अकाउंट फेसबुक पर बनाया हो और आपके किसी फ्रेंड ने एक सेल्फी या कोई पिक्चर अपलोड किया हो जिसमें आप भी हो, तो या आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ अपना फोटो अपलोड किया हो, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक आपके उस फ्रेंड को डिटेक्ट कर लेता है, तो फेस डिटेक्शन में ये मशीन लर्निंग यूज होता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से और गन है, केक है बर्थडे की, या कोई भी इस टाइप की चीज़ है, उसे उस ऑब्जेक्ट को भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर मोबाइल फ़ोन है वगैरह वगैरह उसे डिटेक्ट करके उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सी ब्रांड का है वो। इमेज सेगमेंटेशन, इमेज को सेगमेंटेशन करना कि वो किस टाइप की इमेज है, उसके लिए भी मशीन लर्निंग यूज होती है। मल्टीमीडिया इवेंट डिटेक्शन, मल्टीमीडिया में कौन सा इवेंट हो रहा है उसे डिटेक्ट करने के लिए भी ये मशीन लर्निंग यूज हो जाती है। ऑल्सो इन इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल यूज, आपके डेली यूसेज में भी आजकल ये जो स्मार्टफोन की ऐप्स आ रही है उसमें भी पाइथन के कोड्स के द्वारा ये मशीन लर्निंग यूज हो रही है। सो कंक्लूजन, वी हैव अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ सम टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग। इस सेशन में हमने सिंपल ओवरव्यू देखा है कुछ टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स का जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। आगे हम कुछ और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अप्लाई होती है मशीन लर्निंग एज ए सॉल्यूशन। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि मशीन लर्निंग मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, और हमारे डेली लाइफ में आज जैसे रोटी कपड़ा मकान है वैसे ही मशीन लर्निंग भी एक ज़रूरी पार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। अभी जिस तरह से हमारी स्मार्टफोन में एडिक्शन बढ़ता जा रहा है और हमारी इनके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस अवर यूट्यूब चैनल डी टेक्टो। यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।